नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो राजस्थान विद्युत विभाग द्वारा हेल्पर 2 का एग्ज़ाम चल रहा है उसकी कट ऑफ मार्क के बारे में कि कट ऑफ कितनी जा सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि उसका पेपर का लेवल किस प्रकार का था। तो पेपर के लेवल में आपको बता दूँ कि 30 से 32 क्वेश्चन, आपको पता ही होगा 30 से 32 क्वेश्चन, जिन्होंने पेपर नहीं दिया है उनको बता दूँ कि 30 से 32 क्वेश्चन उसमें हिंदी के आ रहे हैं, और जो हिंदी है वो बिल्कुल आसान है। और इसके अलावा 10 क्वेश्चन आ रहे हैं इंग्लिश के, और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के 10 क्वेश्चनों को हम कह सकते हैं कि हार्ड है। और लेकिन जिनको इंग्लिश नहीं आती है बिल्कुल भी, उनके लिए तो ज़्यादा ही हार्ड है इंग्लिश वाले क्वेश्चन। और इसके अलावा जो क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं वो लगभग एक ही टॉपिक से आ रहे हैं, एक ही टॉपिक से जो एक पेपर हो रहा है एक पारी में, उनके एक ही टॉपिक से साइंस के क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं। तो साइंस को हम कह सकते हैं 10 क्वेश्चन जो साइंस के आ रहे हैं वो हार्ड है, और राजस्थान जीके के क्वेश्चन सरल हैं। राजस्थान जीके के जो 15 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं राजस्थान जीके के वो सरल है, और बाकी जो मैथ के क्वेश्चन हैं हम कह सकते हैं कि 10-15 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड है और 10 क्वेश्चन लगभग मीडियम लेवल के हैं मैथ के क्वेश्चन। ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते और ज़्यादा सरल भी नहीं कह सकते। तो इस प्रकार पेपर का लेवल लगभग आसान ही बनता है, क्योंकि उसमें जो हिंदी आ रही है वो ज़्यादा ही आसान है और ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं हिंदी के। तो इस प्रकार पेपर का लेवल आसान होने के कारण कट ऑफ भी हाई जाने की संभावना है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, यह इंपॉर्टेंट बात है। नेगेटिव मार्किंग न होने के कारण भी कट ऑफ पर प्रभाव पड़ता है और कट ऑफ हाई जाने की संभावना है। और अब देखते हैं कि जो कट ऑफ है वो जाने में सबसे बड़ी बात होती है कैटेगरी वाइज जो डिफरेंस होता है वो होता है रिजर्वेशन के कारण, कितना रिजर्वेशन किस कैटेगरी में है, और इसके अलावा अलग अलग कंपनियों में कितना अंतर रह सकता है। तो पहले ये ऑफिशियल नोटिस देखते हैं जिसमें पदों का वर्गीकरण और जो रिजर्वेशन दिया गया है। तो ये है वैकेंसी की डिटेल, जिसमें कि आप देख सकते हैं जयपुर में आपको पता ही होगा 1360 पद है, सबसे ज़्यादा पद जयपुर में ही हैं। और इसके अलावा जो अजमेर है उसमें 391 और जोधपुर 338, लगभग बाकियों में लगभग सेम ही हैं, लेकिन जयपुर में पद हाई है। और लेकिन मेरिट भी जयपुर में हाई जाने की संभावना है, क्योंकि जयपुर में हमेशा ही हर भर्ती की मेरिट हाई जाती है। पीछे जेल प्रेरी का रिटर्न एग्ज़ाम हुआ, उसका कट ऑफ अभी फिलहाल यही है, और उसकी मेरिट भी जयपुर में बहुत हाई गई है, और उसमें पद भी जयपुर में ज़्यादा थे। लगभग पद सभी भर्तियों में जयपुर में ज़्यादा ही होते हैं, और कट ऑफ होती है वो भी जयपुर की हाई होती है। और इसमें क्योंकि इसमें जो फार्म है जयपुर में सबसे ज़्यादा भरे जाते हैं जयपुर में। और इसके अलावा जो कैटेगरी वाइज है वो आप यहाँ पर वीडियो को रोक भी देख ले अगर देखना चाहोगे तो, कितने पद है अलग अलग कैटेगरी वाइज। अब रिजर्वेशन की बात करते हैं, रिजर्वेशन इसमें दिया गया है विभाग द्वारा कि जो 16% रिजर्वेशन फॉर एससी के लिए 16% रिजर्वेशन है इसमें। यहाँ पर देखिए रिजर्वेशन 16% रिजर्वेशन है फॉर एससी के लिए, और 12% एसटी के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, और 21% बीसी के लिए, एंड 1% दिया गया है एमबीसी के लिए। तो जो रिजर्वेशन है वो एससी के लिए 16% है और एसटी के लिए 12% है। तो इसमें कट ऑफ का अंतर कम रहेगा एससी और एसटी का, बिल्कुल लगभग सेम ही होगी। और इसके अलावा जो ई एक्स सर्विसमैन है उनके लिए देख लीजिए, उनके लिए 12.5% रिजर्वेशन है ई एक्स सर्विसमैन के लिए। यहाँ पर देखिए 12.5% वैकेंसीज सेल बी रिजर्व फॉर ई एक्स सर्विसमैन के लिए 12.5% रिजर्वेशन दिया गया है। तो ये है रिजर्वेशन जो कि कट ऑफ पर प्रभाव, जिसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, अलग अलग कैटेगरी वाइज डिफरेंस होता है। तो हम बात करते हैं कि सभी कंपनीज की औसतन कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो ये ग्राफ है, इसके द्वारा आप समझ सकते हैं। इसमें दिया गया है जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो लगभग 80 से हाई जा रही है, 80 से ऊपर लगभग 82 के समथिंग जा रही है। और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं लगभग 78 के करीब पहुंच रही है ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ। और ये कट ऑफ जो है वो लगभग संभावित कट ऑफ है, इसमें 2-4 नंबरों का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन यही जाने की संभावना है। एसी की जो कट ऑफ है वो लगभग आप देख सकते हैं 74-75 के करीब पहुंच रही है एसी की कट ऑफ, और एसटी की कट ऑफ भी लगभग सेम ही है 74-75 के करीब। तो एसी और एसटी की कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं है, और जो ओबीसी और जनरल की कट ऑफ है वो 80 से हाई जाने की संभावना है।
ये हाई जाने का कारण आपको बता दिया, एक था पेपर का लेवल और दूसरा उसमें नेगेटिव मार्किंग का न होना, तो इस कारण कट ऑफ हाई जा सकती है। अब जो आंकड़ा है वो भी आप देख लीजिए, जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 82 के करीब रह सकती है और ओबीसी की कट ऑफ है वो 78 के करीब जा सकती है और एससी की कट ऑफ 75 के करीब और एसटी की जो कट ऑफ है वो लगभग 74 के करीब जा सकती है, एसटी कैटेगरी की कट ऑफ। तो इसमें ये आप देख लीजिए इतनी कट ऑफ जा सकती है और जो इसका रिजल्ट है वो जनवरी में ही आने की संभावना है और इसके रिजल्ट आने के तुरंत बाद इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। और इसमें जो आप गर्ल्स हैं उनके लिए कोई जो रिजर्व नहीं है, गर्ल्स के लिए उस ऑफिशियल नोटिस में कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया है और क्योंकि गर्ल्स और जो मेल और फीमेल की कट ऑफ इसमें सेम ही जाएगी और कैटेगरी वाइज डिफरेंस होगा और बाकी कंपनीज का डिफरेंस इसमें होता है, आपको बता दिया कंपनीज का जो डिफरेंस होता है उसमें काफ़ी होता है और जो अलग अलग कंपनी है उसमें डिफरेंस काफ़ी होने के कारण जो कट ऑफ है अलग अलग जाती है और वो जयपुर की कट ऑफ आपको बता दिया कि हाई जाने की संभावना है और बाकी कैटेगरीज की कट ऑफ का हम कह नहीं सकते, 2-4 नंबरों का डिफरेंस होता है, जयपुर की कट ऑफ का काफ़ी डिफरेंस इसमें देखने को मिला है पीछे भी भर्तियों में। तो कट ऑफ इतनी रह सकती है और जैसे ही इसकी रिजल्ट आएगा तो मैं तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा और इसकी और कई कोई सूचना आएगी तो मैं तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा। और स्टडी टाइम्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको वो अपडेट समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।